अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स पेपर बी, और आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें फेब्रे-पेरेट इंटरफेरोमीटर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फेब्रे-पेरेट इंटरफेरोमीटर की एप्लीकेशंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं किसी लाइट में वेवलेंथ्स की तादाद फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये वेवलेंथ्स को अलग अलग करके दिखा सकता है। तो ये हम एंड में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये किस चीज़ से बना होता है, कैसे काम करता है। इसमें दो ग्लास प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जो आपको फिगर में नज़र आ रही हैं। ये सेमी सिल्वर्ड होती हैं और एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स पर्स कर लें, यहाँ से लाइट पड़ रही है। तो ये जो सेकेंड ग्लास स्लेब है ये सेमी सिल्वर्ड होती है, यानी इसमें से कुछ लाइट तो पास हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। जरा फिर जब वो टकराएगी लाइट तो वो कुछ पास हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो यहाँ से जो लाइट बाहर आ रही है दूसरी प्लेट से, चाहे वो 3 दफ़ा या 4 या जितनी दफ़ा भी वो स्प्लिट अप हुई है वेव्स, वो बेसिकली एक ही वेव की पार्ट्स हैं। मतलब इंसिडेंट वेव तो एक ही थी, उसी के पार्ट्स हैं। तो जब भी हम एक वेव को स्प्लिट अप कर दें ज़्यादा वेव्स में, तो वो आपस में कोहरेंट होती हैं। तो ये वेव्स जब आगे जाकर स्क्रीन पर पड़ती हैं, अगर हम इनको फोकस करें प्रॉपरली, तो ये स्क्रीन पर यहाँ हमें स्ट्रक्चर बनाकर देती हैं रिंग्स की फॉर्म में। तो जैसे आपको साइड पे नज़र आ रहा है, आपको दो पैटर्न नज़र आ रहे हैं, एक रेड कलर का पैटर्न है रेड वेवलेंथ का, और एक जो है वो वायलेट कलर का है। और इसमें भी कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, कब डिस्ट्रक्टिव होगी, हमें पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस देखने के लिए हम फर्ज कर लेते हैं, जो हमने दो ग्लास प्लेट्स ली हैं, इनका आपस में जो फासला है वो डी के बराबर है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है, अगर ये डी है जैसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये डी है, तो यहाँ ये जो एंगल है ये थीटा है, तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है और ये साइड डी है, ठीक है, तो थीटा के सामने होगा ये डी साइन थीटा, और इधर वाली साइड होगी डी कॉस थीटा। यानी ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल थीटा है और ये है डी। तो हमें ये वाली लेंथ, ये ग्लास स्लेब्स पड़ी हुई है, ये जो लेंथ है ये डी कॉस थीटा के बराबर होगी। थीटा के सामने साइन कंपोनेंट होता है हमेशा, साथ वाला जो है वो कॉस कंपोनेंट। तो अब यहां देखें कि रे जो है वो एक दफा इस तरफ जा रही है, ठीक है, और फिर इस तरफ जा रही है। फर्ज करें हमने उसको कैलकुलेट कर लिया कि ये डी कॉस थीटा है, तो क्योंकि रे एक दफा इस तरफ जाती है, हर रे एक दफा इस तरफ जा रही है फिर इस तरफ, तो इस तरह इसका यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक रे आगे निकल जाती है और कुछ हिस्सा वापस चला गया। तो जब वापस जाएगा वो डी कॉस थीटा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फर्स्ट ग्लास से टकराएगा, और फर्स्ट के बाद दोबारा सेकंड की तरफ जाएगा, तो फिर डी कॉस थीटा ट्रेवल करेगा और यहाँ से इमर्ज होगा। तो इस तरह ये इसका जो पहली रे गई थी और दूसरी रे इमर्ज हुई है, इनका जो डिफरेंस है पाथ डिफरेंस वो होगा 2d cos थीटा। तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव रखने के लिए ये इक्वल होगा m लैम्डा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये होगा ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ्स। तो चले अब यहाँ देखते हैं क्या लिखा है हमने। हमारे पास लाइट है जो एक सोर्स से आ रही है एंगल थीटा, और उसके आगे दो ग्लास स्लेब्स हैं जो सेमी से, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 0.1 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो ये जो लाइट है इन दोनों के दरमियान बैक एंड फॉर्थ रिफ्लेक्ट होती है, और इस तरह कुछ रे जो हैं वो दूसरी तरफ निकल जाती हैं, तो काफ़ी सारी रेज जो दूसरी तरफ इमर्ट हो जाती हैं, तो वो सारी वेव्स जो हैं वो जो दूसरी तरफ इमिट हुई हैं वो सोर्स की वो लेंस में से गुजरती हैं और उसको स्क्रीन के ऊपर फोकस किया जाता है, जहाँ पर
वो रिंग्स बनाती हैं, तो क्योंकि सोर्सेज कोहरेंट हैं आपस में, मतलब जो वेव्स आ रही हैं वो एक ही वेव के पार्ट्स हैं, तो इसलिए आपस में कोहरेंट होती हैं। हमें स्क्रीन पर डार्क और ब्राइट रिंग्स नजर आते हैं जिसे न्यूटन रिंग थे। तो यह हमने पाथ डिफरेंस निकाला है, ठीक है, जिसे हमने पहले कैलकुलेट किया। यह आ जाएगा डी कॉस थीटा एक तरफ और डी कॉस थीटा दूसरी तरफ, तो टोटल हो जाएगा 2d cos थीटा। तो ब्राइट बैंड के लिए 2d cos थीटा कंप्यूट करेंगे m लैम्डा के इक्वल, और डार्क के लिए इसको कंप्यूट करेंगे 2m-1। तो इसकी एप्लीकेशंस में हम ये है कि इसमें हम पढ़ेंगे कि ये दो वेवलेंथ्स को अलग अलग करके दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम लाइट है तो वो प्योर येलो नजर आती है, लेकिन उसमें उसको जब इस इंटरफेरोमीटर से गुजारेंगे तो उसमें जो दो वेवलेंथ्स हैं वो अलग अलग शो होंगी। और कैसे शो होंगी, क्योंकि हर वेवलेंथ के रिंग्स बनेंगे, जैसे आपको ये फिगर नजर आ रही है, आपको ये रेड कलर के हैं और ये वायलेट कलर के। तो स्क्रीन पर क्या होता है कि जितनी वेवलेंथ्स होती हैं उतने ही हमें सर्कुलर रिंग्स के सेट नजर आएंगे। तो चाहे उन वेवलेंथ्स में डिफरेंस बहुत ही कम हो, क्यों ना हो, उनके जो सर्कुलर रिंग्स बनेंगे वो अलग अलग बनते हैं। तो जो बज़ाहिर हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट नजर आती है, तो बाज़ोकात वो भी दो या तीन या चार वेवलेंथ्स का ग्रुप होता है। तो अगर उसको इस इंटरफेरोमीटर से गुजारेंगे तो हमें स्क्रीन पर अलग अलग रिंग्स नजर आएंगे और हम काउंट कर सकते हैं कि उसमें कितनी वेवलेंथ्स शामिल होती है। तो थैंक यू, ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं।